बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और ईडी और एनसीबी टीम कर रही है जांच। और ऐसे में सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने मेडिकल प्रैक्टिशनर और सुशांत की साइकोथेरेपिस्ट रही डॉक्टर सुजैन वॉकर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में केके सिंह ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर सुजैन वॉकर ने बीच में कोई भी जो कनेक्शन था, जो बातचीत थी, वो सीक्रेट थी और उसका खुलासा आईएमसी विनियमन के तहत हुआ है। इसी के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुजैन ने सुशांत के बायपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होने की बात कही थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को दुनिया को उन्होंने हादसे के बाद अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से चल रहा है केस और अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, एक दूसरे पर केस कर रहा है, लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आया कि आखिर सुशांत के साथ ये हुआ तो क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। तो ये है पूरी रिपोर्ट, जहां पर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने की है रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन लाइव सूरज रिपोर्ट।